अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको, आप सबको ठीक ठाक रखें। और डियर, ये आज क्लास 10th जमात दहम की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, और ये नज़्म है आज आज़ादी। तो इसका जो शायर है, शायर का नाम बहुत खूब है, और शायर का नाम क्या है? शायर का नाम एहसान दानिश। तो एहसान दानिश के हवाले से आज ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ। उम्मीद वासिक है, उम्मीद है कि आप सब इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये बताता हूँ कि आप सब जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन वो ज़रूर दबा दें। बेल आइकन में जो घंटी का निशान है वो ज़रूर दबा दें, और साथ साथ जो है वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त या वक्त पे पहुंचती रहे। तो आइए बढ़ते हैं एहसान दानिश, शायर मजदूर की तरफ। तो ये क्या है एहसान दानिश, शायर मजदूर? एहसान दानिश असल नाम इनका जो था वो एहसानुल हक, और दानिश इसका तखल्लुस था। ये कब पैदा हुए थे? वो ज़िला मुजफ्फरनगर यूपी भारत में पैदा हुए। कब? 1914 में पैदा हुए। फिर वफात इनकी 1982 में हुई थी। ये शायर जो थे, इनको इनका जो वक्त था, इनका जो दौर था, इनका जो ज़माना था, तो वो बड़ी मुश्किल से काटा। ये पैदा हुए, वालिद का नाम काजी दानिश अली था। वालिद का नाम क्या था? काजी दानिश अली था। मैं आपको एक मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि मैं आपको इस वीडियो में अच्छी बातें भी बता दूं, जो बातें आपके लिए बहुत अहम हो। तो मैं वो बताता हूं कि आपको, अगर आप लोग, अगर क्या हो, अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, तो मेरी इस बात पर अमल ज़रूर करें कि ये जो फहरस्त दिया गया है आगाज़ में, तो उस फहरस्त पे आप जाएं और वहाँ आप लिखें एक शायर का नाम, यानी नाम तखल्लुस पैदाइश वफात, ये लिखें, वालिद का नाम लिखें और इनका असल नाम लिखें, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। जब भी आप वहाँ जाएंगे, देखेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी, और आप फौरन ये सारे के सारे जो पैदाइश है या जो वफात है, जो सारे के सारे अशार की तारीखी पैदाइश वफात, ये सब के सब कुछ आपके जहन में स्टोर हो जाएगा, आपके जहन में बैठ जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि वो जो एमसीक्यूज़ होते हैं, उस एमसीक्यूज़ में यही बातें होती हैं और यही चीज़ें वो बार बार आती हैं। तो वालिद साहिब का नाम काजी दानिश अली था, काजी दानिश अली था। ऐसा दानिश ने इंतहाई गुरबत के माहौल में आंख खोली। गुरबत तो ये थी कि इन्होंने ऐसा कौन सा काम छोड़ा था कि इन्होंने नहीं किया था। ये बेचारे जो थे, तो ये दिन के वक्त क्या करते थे? मैं सबसे पहले इनके हौसले को देखकर हैरान हो जाता हूँ। हैरान इसलिए हो जाता हूँ कि इन्होंने गंदम को काटा, इन्होंने कोदाल चलाए, इन्होंने बहुत सारी वो मशक्कत इन्होंने उठाई, और ऐसा कौन सा काम इन्होंने छोड़ा कि इन्होंने किया नहीं था। तो ये बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते थे, और दिन दहाड़े वो मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, और बहुत सख्त काम करते थे, कोदाल चलाते थे, और इसके बावजूद ये हर रात, रोज़ाना रात ये 400 सफहात ज़रूर पढ़ते थे। यानी ये इनके मुताले का ज़ौक था, शौक था। आजकल हमारे पास वो मोबाइल है और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो हम इन मोबाइलों से, इन चीज़ों से, इन आलात से हम शुक्रगुजार नहीं हैं, हम शुक्र नहीं अदा कर रहे हैं। हम इस इन मोबाइलों से हम अपने वक्त का ज़ाया करते हैं, और हम इनसे फ़ायदा नहीं उठाते, हालांकि हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इन चीज़ों के हवाले से हमसे पूछा जाएगा, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं, इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो एहसान दानिश जो थे, वो बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते थे, और इनको आदमजी अवार्ड भी दिया गया था, आदमजी अवार्ड भी दिया गया था। और अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वो मुश्किल से प्राइमरी तक तालीम हासिल कर सके, प्राइमरी तक यानी चौथी क्लास तक, यानी 1, 2, 3, 4 तक, 4 क्लास तक इन्होंने बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल की। उन्होंने नहायत हौसले और हिम्मत से गुरबत के खिलाफ जिहाद किया।
जहाद की मेहनत किया, मेहनत मजदूरी की गरज से, गरज से यानी की वजह से लाहौर आए, एक लाहौर आए। गरज और अरज, गरज के मानी मकसद, ये जिसके ऊपर ऐन के ऊपर नुक्ता हो तो इसके मानी मकसद है, और अगर ये इसके ऊपर नुक्ता ना हो तो फिर अरज के मानी वो कोई बात, कोई बात कहना, इन्हें मैं अरज करना चाहता हूँ। तो बहरहाल गरज से लाहौर आए और मामूली मुलाजमत करते रहे, मामूली मुलाजमत करते रहे, यानी वो जो मेहनत मशक्क़त ज़्यादा उसमें उठानी पड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किताब से अपना रिश्ता जोड़े रखा, अपना नाता, अपना रिश्ता जोड़े रखा। वो दिन को मुलाजमत करते और रात को मुताला करते, दिन के वक्त सख्त काम करते थे और रात के वक्त कम अज़ कम 400 सफ़ात रोज़ाना पढ़ते थे, ये इनका मामूल था। अपनी कोशिशों से लाहौर में एक ज़ाती कुतुबखाना और मकतब दानिश के नाम से कायम किया। अपनी कोशिशों से, ये जाहिर ही बात है कि ये इनके हौसले को दाद देनी चाहिए, तो इन्होंने अपनी कोशिशों से दादी मकतब दानिश के नाम से कायम किया। एहसान दानिश उस वक़्त से शायरी कर रहे थे जब वो रेलवे में मुलाजम थे, या शौकी यानी उस वक़्त से इन्होंने शायरी शुरू की थी कि जब ये रेलवे में मुलाजम थे नौकरी करते थे। शौक़ मुताला और ज़ौक़ शेर ने उन्हें एक बेहतरीन शायर के रूप में ढाला। शौक़ मुताला, इनके अंदर जो मुताले का शौक़ था, और ज़ौक़ शेर ने उन्हें एक बेहतरीन शायर के रूप में ढाला, के रूप में यानी कि शक्ल में ढाला, ढाल लेना मुताबिक कर लेना। और एक वक्त ऐसा भी आया कि बरसग़ीर का कोई भी मुशायरा उनके बग़ैर नामुकम्मल समझा जाता था, यानी इनकी कोशिश ऐसी थी कि एक वक्त ऐसा भी आया कि बरसग़ीर का कोई भी मुशायरा इनके न मौजूद होने से यानी वो गैर मुकम्मल समझा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फ़नी शायरी में किसी की शागिर्द अख्तियार नहीं की, और यह सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है, दिलचस्प यह दिल को छूने वाली बात यह है कि उन्होंने किसी की शागिर्द अख्तियार नहीं की। उनकी शायरी इंसान दोस्त शायरी है, उनके अहम मौज़ूआत कलम व अफलास के खिलाफ जिहाद और मजदूर तबके की हालत ज़ार का बयान है। हालत ज़ार यानी ख़राब हालत, इस वजह से इनको शेर मजदूर का लक़ब मिला, और इनको शेर मजदूर का लक़ब इसलिए ही मिला था कि इन्होंने ज़्यादा जो मेहनत की थी मजदूरों के साथ ये भी काम करते थे, और इनकी शेर में जो थी क्या क्या चीज़ें शामिल थी, फितरत निगारी, हकीकत निगारी और इनकलाबी भी, तो ये तीन जज्बे जो थे इनकी शायरी में मौजूद थे। शायरी के बारे में एहसान दानिश का एक ख़ास नुक्ते नज़र था, ख़ास नुक्ते नज़र यानी इनका व्यू ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ व्यू। उनका ख्याल था कि जज्बात व ख्यालात और वाक़ियात को आम फहम अंदाज में बयान करना चाहिए। इनका ख्याल है कि जज्बात व ख्यालात और वाक़ियात को आम फहम अंदाज में बयान करना चाहिए। आम फहम यानी हर किसी के समझ में आने वाले, ताकि खवास के साथ साथ आवाम भी इस्तेफादा कर सके, इस्तेफादा फ़ायदा उठा सके। एहसान दानिश की शायरी में हिंदी के गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। एहसान दानिश की शायरी में हिंदी के गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, यानी इन्होंने हिंदी के गैर मानूस यानी जो जिससे उन्स ना हो, यानी नाअशना अल्फाज का इस्तेमाल इनको इन्होंने नहीं किया है। और ये इनको कहाँ सुपुर्द खाक किया गया था, लाहौर के मुगलपुरा के कब्रिस्तान में इनको सुपुर्द खाक किया गया था, कब, 1982 में, 1982 में। और इनके हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने यानी ये क्या करते थे, 400 सफ़ात का मुताला रोज़ाना करते थे। और इनके हवाले से ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको पहले आदमजी का एवार्ड दिया गया था 1973 ईस्वी में, और फिर इसके बाद तो इन 1978 ईस्वी में इनको निशान इम्तियाज दिया गया था। तो ये बात इनके हवाले से थी। और अब तसानीफ का जिक्र मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी तसानीफ जो थी क्या क्या थी, इन्हें हदीसी अदब और चरागा, गुरिस्तान, जहान दानिश, मीरासी मोमिन, आतिश खामोश, शीराजा वगैरह, तो ये इनकी तसानीफ थी। और आपके नज़म और नसर पर तकरीबन 40 मजमूए शामिल हुए, यानी इन्होंने जो 40 मजमूए हैं ये इन्होंने लिख डाले हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि ये बेचारे दिन के वक्त मेहनत करते और रात के वक्त फिर मुताला करते, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें हमारे लिए मेरे ख्याल में एक
क्या है, एक छुपी हुई बात यह है कि हमें भी अपने मेहनत से दिल चुराना नहीं चाहिए, मेहनत हमें करनी चाहिए। और हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियतें रखी हुई हैं, इन सलाहियतों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और हर किसी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो आगे बढ़ सके और मेहनत करके मुताला कर सके, क्योंकि कोई भी चीज़ मेहनत के बगैर हासिल नहीं होती है, नहीं हो पाती है। तो लिहाजा हमें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए और मेहनत का जो दामन है हारना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे अमल ज़रूर करोगे इंशाल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं शायरी की तरफ और अशार की तरफ, अशार की तशरी की तरफ। इबादत है, पहले शेर की तरफ बढ़ते हैं, एहसान दानिश्क। तो इबादत है सरफ़ जज्बे तामीर आज़ादी, शहादत मुस्तकिल एक सुरख़ तहरीर आज़ादी, जहां आज़ाद कर सकते न हो तकरीर आज़ादी, वो मेरी वो आज़ादी मेरी नज़रों में है तहकीर आज़ादी, फ़ज़ाए कर रही हैं ज़ौक़े इसार व अमल पैदा। ये लफ्ज़ क्या है, फ़ज़ाए, फ़िज़ा गलत है, फ़िज़ा वो दूसरा लफ्ज़, वो जो खुश फ़ज़ा मकाम, तो वो भी फ़ज़ा है और ये भी फ़ज़ा है। फ़ज़ाए कर रही हैं ज़ौक़े इसार व अमल पैदा, लहू में दौड़ता है शोले तासीर आज़ादी। लहू जो है, लहू का लफ्ज़ ये मुखफ़ है, एब्रीवेशन है, इसको कहते हैं लहू। और सही लफ्ज़ जो है वो पूरा लफ्ज़ क्या है, वो लोहो है। क्या है, लोहो, लोहो सही लफ्ज़ है और पूरा लफ्ज़ वो है। लेकिन ये शायरों को, शुरा को ये अख्तियार हासिल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी वो उनको अख्तियार हासिल है कि वो पूरा लफ्ज़ लिखने के बजाय वो यहाँ वो मुखफ़ से काम लेते हैं। यानी जिस तरह वो लिखते हैं कि एक की जाए बजाय एक, तेरे की बजाय तेरे, मेरे की बजाय मेरे, तो इसी तरह बहुत सारे अल्फाज और भी हैं, तो वो मुख्तसर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ये आज़ादी हासिल होती है। अच्छा, पहले शेर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। इबादत है सरफ़ जज्बे तामीर आज़ादी, इबादत यानी इबादत, जिस तरह हम इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, सरापा मीन मुकम्मल तौर पर, सर से पाँव लेकर, यानी सर से लेकर पाँव तक, सर आपा यानी सर से लेकर पाँव तक, सर के मानी सर, पा के मानी पाँव, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, मुकम्मल तौर पर। जज्बे तामीर आज़ादी, तामीर यानी आज़ादी का जज्बा, तामीर मतलब यानी बनाना, तो यह क्या मतलब है, आज़ादी का जज्बा। शहादत मुस्तकिल एक सुरख तहरीर आज़ादी, तहरीर सुरखी ये क्या कहते हैं, यानी आगाज़, तहरीर आज़ादी यानी वो तहरीर जो आगाज़ के तौर पर लिखा जाए, सुरखी। तो शहादत मुस्तकिल, शहादत गवाही देना, यहाँ पे क्या मतलब है, गवाही देना। शायर इस शेर में कहना क्या चाहते हैं, शायर इस शेर में कहना बहुत खूबसूरत तरीके से चाहते हैं और कहना ये चाहते हैं। मैं सबसे पहले एहसान दानिश के हवाले से एक हवाले शेर भी बताता चलूँ कि इसके हवाले से हवाले शेर क्या होना चाहिए। और हवाले शेर कुछ यूँ है कि हवाले शेर ये अशआर एहसान दानिश की लिखी हुई नज़्म आज़ादी से लिए गए हैं, ये नज़्म है और ये आज़ादी से लिए गए हैं। और एहसान दानिश का असल नाम जो था वो एहसान उलहक था। एहसान दानिश को शेर मज़दूर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने कलाम में किसान और मज़दूरों की ज़िंदगी की बेहतरीन तर्जुमानी की है। वो ख़ुद भी तहरीक आज़ादी के पुरजोश रुकन थे और उन्होंने इंसाफ, उन्होंने जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया, यानी इन्होंने क्या क्या, यानी ये इकट्ठ, यानी वो ये क्या हो गए थे, ये मुतहर्रिक हो गए थे और ये हरकत में आ गए थे। तो ये अभी शेर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। इबादत है सरफ़ जज्बे तामीर आज़ादी, शहादत इस मुस्तकिल तहरीर आज़ादी। एहसान दानिश को मज़दूर शायर भी कहा जाता है, यानी शेर मज़दूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेर मज़दूर भी कहा जाता है। और शायर वतन की मोहब्बत का जज्बा शेर के दिल में रच बसा हुआ है, उसकी शायरी में खूब मिलता है, यानी वतन का जज्बा इनकी शायरी में खूब मिलता है। इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि आज़ादी का जो जज्बा है वो मुकम्मल तौर पर इबादत है। आज़ादी का जज्बा क्या है, मुकम्मल तौर पर इबादत है। यानी तुम जिस जोश व खरोश से हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हो, यानी जिस जोश व खरोश से, जिस मोहब्बत से और जिस जज्बे से तुम हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हो और जिस बेजिगरी से तुम दुश्मन को ललकार रहे हो, उनको मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हो, तो ये इस बात का सबूत है
सबूत है कि तुम सच्चे सच्चे पक्के मोमिन हो, यानी तुम सच्चे पक्के मोमिन हो, तुम अपनी आज़ादी की खातिर जो कोशिशें कर रहे हो, जो मेहनतें कर रहे हो और जो महन कर रहे हो, मेहनत की जमा महन भी है, मेहनतें भी है, तो जो कोशिशें तुम कर रहे हो ये तुम्हारी इबादत का एक हिस्सा है। अपने वतन को दुश्मनों से आज़ाद कराना ये किसी इबादत से कम नहीं है, अपने वतन को दुश्मनों से आज़ाद कराना ये किसी इबादत से कम नहीं है। तुम अपने लोहों से आज़ादी की तारीख रकम कर रहे हो, और ये कोई मामूली बात नहीं होती कि ये तारीख रकम करना, और ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारा लहू इस पाक मिट्टी और इस पाक धरती में जज़्ब होकर तुम्हें आज़ादी की नेमत है, नेमत से ज़रूर, यानी नेमत से नवाजेगा। यानी तुम्हारा लहू जो है, यानी जाहिर बात है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहा था तो बहुत सारे मुसलमानों का खून बहाया गया था, तो इस वजह से शायर उसी तरफ इशारा करते हैं कि तुम्हारे इस जज्बे को देखकर तुम्हारा दुश्मन लर्जा है, उन पे लर्जा और उन पे खौफ तारी हो जाता है और इनके दिलों पे खौफ वो छा जाता है। इस तरह के कारनामे जो होते हैं तो उस इन कारनामों को देखकर यानी उनकी होश जो है वो यानी उनके कारनामे होश की हालत में मुमकिन नहीं, यानी इस तरह जो कारनामे दिए जाते हैं तो ये किसी होश में इंसान रहते हुए नहीं कर सकते, बल्कि ये क्या होते हैं, बल्कि ये जोश की वजह से यानी ये सब कुछ होता है। यानी इन कारनामों को संजाम देने के लिए, इन कारनामों को पै तकमील तक पहुँचाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए इनको होश की ज़रूरत नहीं बल्कि जोश की ज़रूरत होती है, जोश की ज़रूरत पड़ती है। ये जोश और जज्बा तुम्हें दुश्मन के खिलाफ जिहाद पर आमादा करता है, तैयार करता है। आज़ादी आग और खून के समुंदर से गुजर कर मिलती है, यानी आज़ादी जो होती है वो किसी आसान काम नहीं होती, आज़ादी जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती है, और यानी बड़ी मुश्किल से आज़ादी यानी मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि आज़ादी कोई आसान काम है, वो ये इसी वो हवाले से अल्लामा कुछ इस रकम तराज है, कहते हैं कि वो गुल के गम व ऐश आम व ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, वो गुल के गम व ऐश पर पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुद अफरोज वो जिगर सोज नहीं है, जो आज खुद अफरोज वो जिगर सोज नहीं है। तो इसी वजह से शायर का यही कहना है कि बग़ैर मेहनत की कोई कामयाबी मिलती नहीं है, और जब मेहनत नहीं की हो या नहीं की जाती हो तो फिर किसी आज़ादी की जो है तमन्ना रखना या कोई उम्मीद रखना, ये तो फिर उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तो यही शायर का कहना है, और शायर इस शेर में यही कहना चाहते हैं। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ आज़ाद कर सकते ना हो तकरीर आज़ादी, वो आज़ादी मेरी नज़रों में है तकरीर आज़ादी। जहाँ आज़ाद कर सकते ना हो तकरीर आज़ादी, यानी वो जगह जहाँ तकरीरों के ज़रिए से आज़ादी हासिल न कर सके, वो आज़ादी मेरी नज़रों में है तकरीर आज़ादी। और शेर कहते हैं तहकीर के मानी हकीर कमतर आज़ादी, यानी वो आज़ादी मेरी नज़रों में, मेरी आंखों में, मेरे जहन में, मेरे ख्याल में वो आज़ादी नहीं बल्कि आज़ादी की तजलील है, आज़ादी को जलील करना है। यानी मतलब इस शेर की नज़र कुछ यूँ है कि वो जगह कि जहाँ लोगों पे पाबंदी हो और लोग आज़ाद न हो, यानी वो तकरीरों के ज़रिए से वो अपनी राय का आज़ादी के साथ वो जिक्र ना कर सके और आज़ादी उनको हासिल ना हो, तो शेर कहते हैं कि वो आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी है। तो ये इसका नसर था, मैं नक्शा आपको बता चुका हूँ। ये इस शेर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं, इस शेर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं, और शेर इस शेर में कहना क्या चाहते हैं। शेर इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि मुसलमानों को आज़ादी का जोश दिलाते हुए शेर कहना ये चाहते हैं कि जिस ज़माने में एहसान दानिश ने ये नज़म और ये मिदनामा लिखा था, उस ज़माने में आज़ादी की तहरीक जो थी वो ज़ोरों पर थी, यानी बहुत ज़्यादा तहरीक जो थी वो ज़ोरों पर थी और शिद्दत पे थी, तो इसी वजह से मुसलमान बड़े जोश और जज्बे से आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, शायद ख़ुद भी तहरीक आज़ादी के पुरजोश रुकन थे। कहना ये चाहते हैं कि आज़ादी सही न सही मानों में तहरीर तकरीर की आज़ादी होती है, और तहरीर तकरीर से किसी कौम के जज्बात और एहसास की बेहतर तर्जुमानी होती है, यानी बेहतर तर्जुमानी वो इनकी तकरीर करने की वजह से होती है। वो हर मौजू पर बिला खौफ तबसरे कर सकते हैं, कर सकती है, ये कौम के दिलों की आवाज़ होती है। वो तहरीर की आज़ादी जो होती है वो कौम के ज़मीर की आवाज़ होती है, यानी मतलब इसका यह है कि जहाँ तहरीर तकरीर पर यानी वो आज़ादी हासिल हो
तो ये आज़ादी कहलाई जा सकती है। लेकिन वो जगह जहाँ इन तकरीरों पे या तहरीरों पे या इसी तरह और ये आज़ादी हासिल ना हो तो शेर कहते हैं कि ये आज़ादी नहीं है बल्कि ये आज़ादी के नाम पे एक धब्बा है। और शेर मजीद कहना ये चाहते हैं कि सही आज़ादी वो है जिसमें इंसान की जुबान, सोच, ख्याल, फिक्र और कलम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। यानी मतलब ये कह ये है कि वो जगह जहाँ पे यानी कलम, जहाँ पे इंसान की जुबान, सोच, ख्याल, फिक्र और कलम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो तो शेर कहते हैं कि यही सही आज़ादी होती है। तो इस हवाले से अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह का एक और शेर है और वो कहते हैं कि था जो ना खूब बतदरीज वहीं खूब हुआ, था जो ना खूब बतदरीज वहीं खूब हुआ। तदरीज रफ्त रफ्त था कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का, के गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। तो इस शेर की तशरीह भी मुकम्मल हो गई है। अगले शेर की तरफ की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। फ़ज़ाए कर रही हैं ज़ौक़ ईसार व अमल पैदा, फ़ज़ाए कर रही हैं ज़ौक़ ईसार व अमल पैदा। ज़ौक़ ईसार के मानी कुर्बानी का जज्बा, ईसार के मानी अलग है कुर्बानी और ज़ौक़ के मानी है यहाँ पे जोश जज्बा। तो कुर्बानी का जज्बा लहू में दौड़ता है शोले तासीर आज़ादी, शोले तासीर यानी असर करने वाली, तो शोले तस्वीर के मानी यानी असर करने वाला जज्बा। तो शायर इस शेर में क्या कहते हैं, शायर मुसलमानों को आज़ादी का जोश दिलाते हुए कहना ये चाहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि आज़ादी के जहाद में शामिल होने वालों को जानी और माली कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी ये बात दुरुस्त है कि आज़ादी को सही सही मानों में हासिल करने के लिए जानी और माली कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इस रास्ते में हज़ारों मुसीबतें से मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस सरजमीन को अपने खूब से रंगीन किया था, अपने खून से सैर आब किया था, तब हम आज़ाद वतन के मालिक बन गए थे और बन गए हैं। और ये इस मिट्टी को आज़ादी दिलाने की खातिर यानी इन्होंने ये सब कुछ कर डाला। यानी ये लोग जो थे वो शहीद इसलिए हो गए थे कि वो इस मुल्क को आज़ादी की खातिर ये सब कुछ कर लिया। मुसलमान मुश्किलात जो थी इनका कोई रुकावट ना बन सकी, यानी मुश्किलात इनके रास्ते को मजीद, यानी मुश्किलात जो भी आते थे तो ये मुसलमान जो थे वो डट कर मुकाबला करते थे। और ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम लोग जो है हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, जिंदगी आज़ादी यानी जिंदगी जो है वो आज़ादी के साथ गुजार रहे हैं। वतन की यही फ़ज़ाएँ जो होती हैं, यही जो माहौल है हमारे नौजवानों को शौक़ और अमल पर तैयार कर रही है। यानी ये जो आज़ाद फ़ज़ाएँ हैं तो इसमें मुसलमान जो भी है तो माशाल्लाह ये साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं ताकि ये अपने मुल्क को मजीद तरक्की की तरफ गामजन कर सकें, मजीद तरक्की की तरफ क्या ले जा सके। यानी जिस तरह अहमद करीम कासमी कहते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जैसे अंदेशे जवाल न हो, यहाँ जो सब्ज़ा खेले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को भी गुजरने की मजाल न हो। तो इसी तरह यानी उनकी जो शायरी है वो बड़ी खूब शायरी है और वो अपनी शायरी में बहुत खूबसूरत जज्बे का जिक्र करते हैं। और जज्बे का जिक्र क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनकी जो नज़्म है तो उसमें मुसलमानों के लिए उन्होंने जो कुछ बयान किया हुआ है यानी वो बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, घनी गठाएं यहाँ बारिश ऐसी बरसाएं कि पत्थरों से भी रुई की मुहाल ना हो। यानी घनी गठाएं, घनी गठाएं का मतलब यहाँ बादल यानी यहाँ बारिश ऐसी बरसे, यानी घने बादल इन घनी घटाओं से यानी घने बादलों से ऐसी बारिशें बरसे कि पत्थरों से भी रुई की मुहाल ना हो। रुई की पौधा उगना, पौधा फूटना, मुहाल मुश्किल ना हो। इन यहाँ इस शेर का मतलब तो एक ये है कि जब ज़्यादा बारिशें हो तो ज़्यादा बारिशों की वजह से क्या होगा, इन पत्थरों से भी पौधा उगना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसका दूसरा मतलब कुछ यूँ है कि शेर कहना ये चाहते हैं कि घनी घटाएं जब वो बारिश ऐसी बरसाएगी, यानी यहाँ तरक्की ऐसी हो कि तरक्की वो ऐसी भरपूर हो और ऐसी ज़्यादा हो कि वो लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, ऐसे इदारे खोल दिए जाएँ,
ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्रीज वो खोल दी जाएं जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके। तो जब ये सब कुछ यहाँ तरफ तरक्की की तरक्की तरक्की ही तरक्की होगी, तो वो मुसलमान पत्थरों से भी रुई की मोहाल ना हो, इन्हें कमजोर से कमजोर घर से भी वो हर इंसान जो है अपने पाँव पे खड़ा हो सके। तो इसका मतलब यही है। और फिर आगे कहते हैं कि खुदा करे कि वकार इसका गैर फानी हो और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल न हो। तो इसी तरह अहमद रजीम कासमी ने अपनी शायरी में बहुत खूबसूरत जज्बे का जिक्र किया हुआ है और वो बहुत खूबसूरत दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से अपने इस प्यारे मुल्क के लिए। तो बहरहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि और शायर कहना ये चाहते हैं कि वो अपनी धरती पे यानी मुसलमान जो है अपनी जान कुर्बान करके, यानी इसके हवाले से तो ये भी बताया जा सकता है, ये बताया जाता है कि ये जो हमारे नौजवान है तो ये इसीलिए हमारा हमारा हमारे आज के लिए क्या करते हैं, अपना मुस्तकबल यानी हमारे मुस्तकबल के लिए वो क्या करते हैं, यानी वो इसी तरह अपनी जान कुर्बान करते हैं। और जान क्यों कुर्बान नहीं करेंगे, क्योंकि इस मिट्टी से, प्यारे मुल्क से, इस धरती से वो बहुत बड़ी मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से इन मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना दिया था और ये इसी वजह से ये मुल्क हमें हासिल हुआ था। तो वतन की यही फजाएं जो है हमारे नौजवानों को और मजीद मेहनत पे आमादा कर रही है, तैयार कर रही है। और इसी वजह से शेर कहते हैं कि कोई हमारी आज़ादी को मेरी आंख से भी नहीं देख सकता, इंशाल्लाह नहीं देख सकेगा अल्लाह के फजल करम से। हमने बातुल कुतों की कमर तोड़ कर रख दी है और उनके अजायम को मैंने हमने मिट्टी से मिट्टी में मिला दिया है। हमने दुश्मनों पर वो जरब लगाई है, वो कारी वो सख्त जरब लगाई है कि वो कभी इंशाल्लाह सर उठा के अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकेंगे। हमारे नौजवानों के खून में आज़ादी की वो तड़प मौजूद है, वो बेचैनी वो तड़प शामिल है जिसकी वजह से वो अपनी इस पाक मिट्टी को मरने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। ये आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने का असर है और ये जो आज़ाद फ़ज़ाएँ हैं ये इसमें सांस लेने का असर है। इसी वजह से इन लोगों ने जो अपनी जानों का नजराना पेश किया है, तो ये जो जाने हैं ये जान का नजराना पेश करके इन्हें जिस तरह और शहीद की मौत जो है, ये शहीद तो वो कौम की हयात है। इसी वजह से इस शहर के अंदर जो जज्बा था, और ये जाहिरी बात है कि एहसान दानिश ये बड़ी मुश्किल से इन्हें मेहनत मजदूरी करके गंदम काट के और किसान जो काम करते हैं उनकी तरह काम करके जब ये इस ये मकाम को हासिल करते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी वजह से इनके हौसले को हमें क्या करना चाहिए, हमें सलूट करना चाहिए। और हमें इनके हौसले को देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि एक इंसान जो है वो बड़ा इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, इनके अंदर काबिलियत होती है। इसी वजह से हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये काबिलियत रखी हुई है, लेकिन कुछ लोग जब वो मुताला नहीं करते तो उनके अंदर वो काबिलियत दबी की दबी रह जाती है, वो काबिलियत बाहर लोगों को नहीं पता चल जाता। तो इसी वजह से आज कल मुसलमानों को और ख़ास तौर पे ये जो नौजवान है, जो यंग जनरेशन है, वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनको करना ये चाहिए कि ये आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। अगरचे इनकी सोच जब बदल जाए तो इनकी ज़िंदगी संवर सकती है। यानी इसका एक मैंने एक जुमला, बहुत खूबसूरत जुमला देखा हुआ है और ये सुना भी है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। तो इसी वजह से हमें मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचाए। यानी कामयाबी शोर जब मचाएगी तो लोगों को पता चलेगा कि ये शख्स कैसा था और इनके अंदर काबिलियत तो थी लेकिन ये काबिलियत इनके अंदर छुपी हुई थी। इसी वजह से हम मुसलमानों को कभी हौसला नहीं हारना चाहिए और किसी भी इंसान को हौसला नहीं करना हारना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है कि जो इंसान जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है तो उसका सिला, उसके नतीजे उसको ज़रूर मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल ज़रूर करोगे और आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी अल्लाह के फजल करम से। और मेरे इस अशआर की तशरीह से अगर कोई मुतमइन नहीं है, जिस शेर में भी आपको मसला हो, तो फिर भी मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा उस शेर की तशरीह में अपलोड कर सकता हूँ ताकि आप लोग मुतमइन हों। और आप लोग जो फीडबैक देंगे और आप जो कुछ लिखेंगे कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कि
कि इस वीडियो में कौन कौन सा मसला है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा मसला है, ताकि वो उसको हल करने की कोशिश ज़रूर करूँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और दुनिया और आखिर दोनों जहान में अता करें। और आप लोगों का बड़ा 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।